तो गाइस जिस चीज का आप लोगों का 2 साल से इंतजार था वो फाइनली वो घड़ी आ चुका है और हम लोग का जो एरिया में है जो कि डाल्टनगंज में डिज्नीलैंड है वो शुरू होने वाला है, ठीक है। और जिन लोगों को नहीं पता होगा उन लोगों को मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे जो डिज्नीलैंड है मतलब एक तरह से आप सावन मेला आप मान सकते हैं, जो कि हम लोगों के एरिया में डाल्टनगंज में सावा महीना के लगभग चलता है। मतलब डिज्नीलैंड आपको बहुत जल्द शुरू हो जाएगा और सावन में आपको जिस दिन पूर्णिमा होता है, जिस दिन रक्षाबंधन होता है, उस दिन हम लोगों को मतलब 2 दिन 3 दिन बहुत बड़ा मेला लगता है, जो कि आपको नदी किनारे जो कोयल नदी है उसके किनारे लगता है, ठीक है। तो इसका डिटेल में आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो है 6 मुहान से आप जाएंगे तो 1/2 किलोमीटर आपको पड़ेगा। और डिज्नीलैंड का जो शुरुआत है वो 12 तारीख से मतलब इसी 12 तारीख से 12 जुलाई से वो शुरू होने वाला है। और डिज्नीलैंड मतलब ये 1.5 महीना के लगभग 1 से 1.5 महीना चलता है और जो सावन मेला होता है वो 3 ही से 4 दिन होता है। लेकिन आपको इतना बता देता है कि डिज्नीलैंड में जितना एक महीने में लोग नहीं आते होंगे उतना सावन मेला में वहाँ पे 4 दिन में मतलब लोग आ जाते हैं। और एक्चुअली लॉकडाउन के चलते 2 साल से यहाँ पे जो मेला है वगैरह मेला जो है वो नहीं लग रहा था। और डिज्नीलैंड के साथ में एक जादूगर भी आते हैं जो कि टाउन हॉल में उनका प्रोग्राम रहता है। टाउन हॉल में एक महीना 1.5 महीना तक वहाँ चलता है। और जो सावन मेला होता है वो आपको नदी किनारे होता है। मतलब एक तरह से सावन मेला है मतलब डिज्नीलैंड और जो नदी किनारे जो मेला लगता है। और डिज्नीलैंड में आप लोगों को पता होगा कि उसमें एंट्री जो होता है 20-30 रुपये एंट्री लगते हैं और जो है आपको मेला जो नदी किनारे लगता है वो फ्री होता है। तो इसी के लिए अपडेट मैं आप लोगों को देना चाहता था क्योंकि कोई भी अपडेट इसके बारे में नहीं दे रहा था तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो इस साल का जो डिज्नीलैंड मेला है वो डाल्टनगंज में फाइनली उसका मतलब डिसीजन हो गया है। 12 तारीख से डिज्नीलैंड शुरू होने वाला है। इतनी खुशी और मतलब 12 तारीख से शुरू हो जाएगा और आप लोग आइए और मेले को एंजॉय कीजिए। और ये मैं बस इसका इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। और जब हम लोग वहाँ पे जाएंगे मेले में जाएंगे तो वहाँ का भी ब्लॉग आप लोगों को दिखाएंगे। उसके लिए आप लोगों को जरूरी है कि चैनल को आपको सब्सक्राइब करना जरूरी है। हाँ, ये कर लो पहले। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर हम लोग जाएंगे ही 12 के बाद हम लोग जाएंगे ही और जाएंगे तो वहाँ का ब्लॉग भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा साथी मेरे साथ ना कटे ना कटे दिन रात ना।